जय श्री राम भैया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो गए। आई होप सब आपको अपने घर में मौज ले रहे होंगे। तो भाई आज कुछ यार यूनिक करने का विचार कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि यार जो मेरे पास में पहले वाला थंडरबोल्ट था ना, मैंने आपको दिखाया भी था शायद, याद है आपको? वो पीले से उसमें था, तो उसको आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं। थोड़ी बहुत तो यहाँ पतंगबाजी हो रही है, अब इतनी पतंगबाजी नहीं हो रही, लेकिन कोई बात नहीं, तो जो भी हो रही है उसमें हम उसको ट्राई करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ मान जी की शक्ल वगैरह कैसी है, उसको कैसी मुझे पहले ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो भैया है तारे भाई की बेटी, इसमें है बहुत खूफिया खूफिया मंजे, तो मैं वैसे पूरा नहीं दिखा सकता, बाद में दिखाऊंगा। मगर क्यों? जब कभी इसका नंबर आएगा ना दिखाने का, मेरा जो स्टॉक आया क्या क्या है क्या नहीं, इसका वीडियो तब आएगा, इससे पहले भाई मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो भाई मैं इस वाले मंजे की बात कर रहा था, ठीक है ना? ये थंडर बोर है जो ओल्ड वाला है, ठीक है? मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ, ताकि भाई तुम समझ जाओ कि कौन सा थंडर बोर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी? ये देखो जी, अरे खुल जा, हाँ वो है तेरा मुँह, ये वाह देख देख लाट ले, जो है देख, यह है वह चीज़। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो यह वाला मांझा है ना, इस वाले मांझे पे मैंने ऐसा केमिकल यूज़ करवाया था, मतलब कि इस वाले ब्रांड को अगर आप थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे के लिए धूप में रख दोगे, तो ये वाला मांझा अपनी पहली जैसी परफॉर्मेंस में आ जाएगा। नहीं, इस बार ब्लैक कलर में नया थंडर बोर्ड आया, उसमें ऐसा कोई भी केमिकल मैंने यूज़ नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर इस तरीके से चीज़ें लगवाई है, उसको आप कितना भी उठा के रख लो, 4 महीने 1 साल 2 साल, उस ब्रांड पे आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपको धूप में रखना है या छाव में उठा के रखना है। वो मांझा आप कभी भी यूज़ करोगे ना, तो पहले जैसी फर्स्ट डे वाली परफॉर्मेंस देगा आपको। लेकिन इस वाले ब्रांड पे थोड़ी दिक्कत ये है कि अगर हमें ये इंस्टेंटली यूज़ करना है तो नहीं कर सकते, पहले हमको दोस्तों प्लान करना पड़ेगा कि हार हमें पतंग उड़ानी है शाम को, तो मैं इसको अब उठा के धूप में रख देता हूँ ताकि मुझे परफॉर्मेंस बराबर मिले। तो ये कंडीशन है इसके साथ में, तो इसलिए मैंने ओल्ड वाला थंडर बोल वहीं स्विच कर दिया। तो मैंने इसलिए न्यू थंडर बोल लॉन्च किया है ताकि भाई आप लोगों को जरा सा भी वेट ना करना पड़े, फर्स्ट डे वाली परफॉर्मेंस आपको मिलती रहे। तो फिलहाल भाई हम का मैं वेट करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 बजे और यहाँ पर धूप अच्छी खासी आ रही है, क्या करूँ? इसको ऊपर यहाँ रख दूँ क्या, यहाँ रख दूँ या इसको ऊपर ही उठा के रखूँ? चलो इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर ऐसे धूप अच्छी आ रही है ताकि इसका जो केमिकल है अंदर का वो थोड़ा निखर के सामने आए और ये परफॉर्मेंस वाइज अपना अच्छा काम करे। आज हम शाम को यूज़ करने वाले, धार पे हाथ लगा के देख रहा हूँ तो धार तो भाई अभी भी बहुत ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अपना कवर पवर है इस पेटी के अंदर, जब इसका टाइम आएगा इस पेटी का भी आपको अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है? बहुत सामान है इसमें, ऐसे ऐसे सामान दिखा दूँगा तो मैं तब नु कहोगे वाह भैया आज ही चाहगा मान जा। तो बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश करूँगा। ये देखो भाई पिछले साल की पतंग बच रही थी, ये है बहुत बड़ी बड़ी पतंग, एक एक तवा वाली पतंग है, एक एक डेढ़ डेढ़ तवा। मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर यह वाली पतंग दिखा दूँ, यह देखो कितनी बड़ी पतंग है भैया, पूरे कैमरे पर भी नहीं आ रही है पतंग, ये देखो। तो भाई शौक मैं करूँ तो ठड़े करूँगा। अब मैं पता मतलब मैं इस इन पतंगों को मैं यूज़ कब करता था? इन पतंगों का यूज़ सिर्फ और सिर्फ मैं करता हूँ उस पर फेस्टिवल पर, लाइक रक्षाबंधन हुई, रक्षाबंधन हुई, जन्माष्टमी हुई, तो उन पे मैं खास यूज़ करता हूँ इन पतंगों का। ओके भाई भाई क्या हो रहा, ये दिमाग तो नहीं लग गई इसमें? गई ये तो दिमाग सी लग रही है यार, दिमाग दिमाग का तो सीन नहीं हो रहा है ना भाई, सब का दिमाग का सीन हो गया ना, पूरी पतंग हो गई माँ बहने हो जाए यहाँ तो भाई, मामला खतरनाक हो जाएगा नहीं तो। भाई साहब मुझे लग रहा है तो दिमाग की मक्का सीन हो गया है, देखिए भाई इन पर तो दवाई छिड़कनी पड़ेगी मुझे। ओ भाई देखो भाई बहुत बुरी हालत हो रही इनकी, इन्हें चेक करनी पड़ेगी भाई एक बार, पतंग है बहुत ना हो जाएगा ना। तो भाई यहाँ पे आ रही धूप, ये पतंग है यहाँ बिछा दी भाई, हाँ थोड़ी बहुत इस पर दवाई छिड़क दी ताकि भाई जो इनकी सुरक्षा जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो करेंगे, क्योंकि भाई हमारा सीज़न तो आ ही चुका, तो अब जा भाई इनकी केयर करनी भी ज़रूरी है, नहीं तो इनका तो नाश हो लेता, बहुत महंगी पतंग है ये। गाइस अगर मैं ऊपर नहीं आता ना तो भाई इनका तो नाश हो जाता कसम से। चलो शुक्र है कि थोड़ी बहुत ही लगी, ज़्यादा नहीं लगी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर टाइम देख लो भाई 5:23 हो गए और भाई मैं जा रहा हूँ छत पे देखने के लिए, पतंगों को भी बढ़िया हवा लग चुकी होगी और जो मांझा है वो भी अच्छे तरीके से बढ़िया सेट हो चुका होगा, क्योंकि अब तक मैंने उस मांझे को हाथ लगाया तब का वहीं रखा हुआ है। चलते हैं चलते और आज देखते भाई कैसी परफॉर्मेंस देता है मांझा। लेकिन ये क्या मैं देख रहा हूँ, मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, शायद आंखों का धोखा भी हो सकता है। ओ बत्तरी भाई रुक जा भाई साहब, ये देखो पतंगों का हाल क्या हुआ पड़ा। चलो तो बढ़िया हुआ मैं टाइम पर आ गया,
नहीं तो भाई आंधी तूफान ऐसी आ रही है जबरदस्त वाले, बारिश वारिश कभी भी हो सके। अब चलो इन पतंगों को उठा के अंदर रखते हैं और ऊपर जाके देखते हैं क्या कंडीशन है। हवा देखो कैसी चल रही है भाई, खतरनाक तरीके से। भाई साहब एक बार मौसम चेक करिए, एक बार क्या खतरनाक मौसम हो रहा है, सीधा भाई दुबई से आ रहा है ये देखो। चल चूटा। आय हाय क्या अल्टीमेट मौसम है मेरे भाई, बारिश की लहर, कब आ जाए पता नहीं, जबरदस्त और सुहावना मौसम हो रहा है। तो तुम्हारा भाई पतंग वतंग नहीं उड़ाएगा भाई ऐसे मौसम में, क्योंकि ऐसे मौसम में हवा चल रही है 35 की स्पीड से, मैंने गूगल पे चेक किया, तो मैं कोई पतंग वतंग नहीं उड़ाने वाला, नहीं तो भाई सारा का सारा मेरा कॉटन का मांजा सब खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई मौसम की मासूमियत को देखते हुए आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। आज मन बनाया मैंने सुबह से ही 10 बजे से मांजा रख दिया था मैंने, वो मांजे को थोड़ा पास देते हैं फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी है उसकी कैसी नहीं। पिछले साल का वो मांजा है आपको याद होगा, मैंने उसका रिव्यू किया था, मौसम ने धोखा दे दिया, अब क्या कर सकते हैं भाई। अगर कल बढ़िया मौसम रहा, फर्स्ट क्लास रहा और हवा अच्छी चली, हवा अच्छी चलो चाहे ना चलो सारा भाई तो तहलका मचाएगा, नो ही खड़ा होकर चाहे हवा चलो बढ़िया चाहे ना चलो, हम तो बिना हवा के पतंग उड़ा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार लिया तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, अगर थोड़ा बहुत ठीक हो गया तो फिर हम पतंग उड़ाएंगे। सुन रहे गाना कौन सा चल रहा, RLDI रे, तो भाई वोट किसे दे रहे, RLD को या फिर अपना भाई अमरपाल को। अमरपाल उठा हमारे यहाँ से, मैं भाई बिरादरी के साथ में, अमरपाल शर्मा भाई अपना भाई बिरादरी का है तो हम अमरपाल शर्मा को वोट देंगे, पहला बिरादरी है मार लिया, उसके बाद में है फिर भाजपा या RLD। और टाइम बाद भाई अपनी बिरादरी के भाई को चुनाव लड़ने का मौका मिला तो भाई हम तो खुलेगा अड़का रहेंगे उसी गेल में, या RLD का हो या RLD का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हार भी जाओ हमारा अमरपाल भाई हार भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई बिरादरी पहले है उसके बाद सब कुछ है। भाई वो मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि भाई मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम सही होता है और वैसे ही हम पतंग उड़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी बारिश भी आ गई थी और भाई मौसम इतना खराब हो चुका, हवा भी नहीं चल रही है। तो भाई आपका इतना प्यार मेरे पे बनाया है, थैंक यू सो मच तहे दिल से भाई, इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, लव यू माई YT फैमिली, थैंक यू सो मच भाई, आपने आज आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उस चीज़ के लिए मैं इतने शब्द कहूँ उतने ही थोड़े हैं। एक चीज़ छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो मुझे लगती है, यहाँ पे दुखती है मुझे, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करते हो, चाहे मुझसे आप कैसी रिलेटेड बात करते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप मांजे से रिलेटेड बात कर लेते हो भाई, ट्रिक एंड टिप्स के बारे में बात कर लेते हो, लेकिन यार शॉपकीपर समझ के बात करोगे ना तो सच में यार दिल दुखता है। ऐसे दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।